Hi everyone, welcome back to my channel. So today we're going to study conflicts in India's federal system. ठीक है, इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे. तो प्रीवियस सेक्शन में हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज वेस्टेड वेरी स्ट्रॉन्ग पावर इन द सेंटर. बहुत सारी पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो सेंटर को दी है. दस जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिकग्नाइज करता है सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ द रीजन एंड गेट गिव्स मोर पावर टू द सेंटर. तो सेंटर को यहाँ पे ज्यादा पावर देती है. एक बार जब प्रिंसिपल जो है आइडेंटिटी का स्टेट का एक्सेप्ट हो जाता है तो ये क्वाइट नेचुरल है कि स्टेट एक्सपेक्ट करेंगे ग्रेटर रोल एंड पावर्स इन द गवर्नमेंट्स ऑफ द स्टेट एंड द कंट्री एज अ होल. इससे क्या होता है, बहुत सारे डिमांड आते हैं स्टेट से. टाइम टू टाइम स्टेट्स हैव डिमांडेड दैट कि उनको बहुत ज्यादा पावर देनी चाहिए एंड मोर ऑटोनॉमी. सो इसकी वजह से क्या आता है, टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं स्टेट एंड सेंटर्स के बीच में. सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में जो रिलेशंस होते हैं, वाइल द लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट और बिटवीन स्टेट्स कैन बी रिजोल्व्ड बाय द जुडिशियरी, डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी आर ऑफ पॉलिटिकल नेचर एंड नीड टू बी रिजोल्व्ड थ्रू नेगोशिएशन. अब हम बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस की. तो कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्रेमवर्क है, स्केलेटन है. इसका फ्लैश एंड ब्लड इज प्रोवाइडेड बाय द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स. हेंस हम कह सकते हैं फेडरलिज्म क्या है. फेडरलिज्म इन इंडिया हैज टू अ लार्ज एक्सटेंट बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंजिंग नेचर ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस. 1950s में क्या होता था एंड 1950s के बाद क्या होता था भाई, अर्ली 1960s में जो फाउंडेशन है हमारे फेडरलिज्म का वो लेड अंडर जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू जो है उनके अंदर यहाँ पे हमारा क्या था फाउंडेशन था. तो इट वॉज ऑल्सो पीरियड ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस ओवर द सेंटर एज वेल द स्टेट्स एक्सेप्ट ऑन द इशू ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स. रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट रिमेन क्वाइट नॉर्मल ड्यूरिंग दिस पीरियड. स्टेट बहुत ज्यादा होपफुल थे दैट दे वुड बी मेकिंग प्रोग्रेस विद द हेल्प ऑफ ग्रांट्स इन एड फ्रॉम द सेंटर. बिसाइड यहाँ पे कंसिडरेबल ऑप्टिमिज्म था. पॉलिसीज जो थी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड जो कि सेंटर ने यहाँ पे डिजाइन की थी. सो 1960 में क्या होता था, कांग्रेस डोमिनेंस डिक्लाइन हो जाता है एंड तो उसके जो अपोजिशन पार्टीज है वो पावर में आती है. सो इससे क्या होता है, डिमांड आती है फॉर ग्रेटर पावर्स एंड ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द स्टेट. इनफैक्ट ये जो डिमांड होती है वह डायरेक्ट फॉल आउट ऑफ द फैक्ट दैट डिफरेंट पार्टीज वर रूलिंग एट द सेंटर एंड इन मेनी स्टेट. सो स्टेट गवर्नमेंट वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट वट दे सो एज अननेसेसरी इंटरफेरेंस इन देयर गवर्नमेंट बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर. कांग्रेस टू वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द आइडिया ऑफ डीलिंग विद गवर्नमेंट लेड बाय द अपोजिशन पार्टीज. दिस पेक्यूलियर पोलिटिकल कंटेक्सट गेव बर्थ टू अ डिस्कशन अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोनॉमी अंडर अ फेडरल सिस्टम. फाइनली 1990 से कांग्रेस डोमिनेंस हैज लार्जली एंडेड एंड वी हैव एंटर्ड एन एरा ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स स्पेशली एट द सेंटर. तो स्टेट्स में भी डिफरेंट पार्टीज दोनों नेशनल एंड रीजनल हैव कम टू पावर. दिस हैज रिजल्टेड इन ग्रेटर सेफ फॉर द स्टेट, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड द बिगनिंग ऑफ अ मोर मेच्योर फेडरलिज्म. दस इट इज इन द सेकेंड फेज दैट जो इशू होता है ऑटोनॉमी का बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकली. डिमांड्स अगर हम देखें ऑटोनॉमी के, बहुत सारे स्टेट्स एंड इवन बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम डिमांडेड दैट स्टेट को ज्यादा ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. हाउएवर अगर हम बात करें, ऑटोनॉमी का मतलब होता है डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट पार्टीज. समटाइम these demand expect that the division of power ka it should be changed in favor of the states and more power and important powers jo states ko de di jani chahiye. bahut sare states hai, chahe tamil nadu ki baat kare, punjab ki baat kare, west bengal ki baat kare, bahut sari parties ki baat kare jaise dm hai, akali dal hai, cpi m hai. to yahan pe inhone time to time yahan pe demand rakhi hai autonomy ko leke. दूसरा जो डिमांड है वो है कि स्टेट का एक इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए रिवेन्यू का और उनके पास जो रिसोर्सेज का कंट्रोल है उनका ज्यादा होना चाहिए. दिस इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. 1977 में क्या होता था, लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल में होती है, एक डॉक्यूमेंट लेके आती है जो डिमांड करती है कि सेंटर स्टेट रिलेशंस का रीस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए. सो इन द ऑटोनॉमी demands of Tamil Nadu and Punjab also there was an implicit support to the idea of greater financial power. So यहाँ पे third aspect जो होता है autonomy का demands relates to
administrative power of the state. State resent the control of the center of the administrative machinery. उसके बाद क्या आता है, फोर्थली ऑटोनॉमी डिमांड्स में ऑल्सो भी रिलेटेड टू कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक इशूज. सो ऑपोजिशन, अगर हम बात करें ऑपोजिशन टू द डोमिनेशन ऑफ हिंदू हिंदी इन तमिलनाडु, डिमांड फॉर एडवांसिंग द पंजाबी लैंग्वेजेस कल्चर आर इंस्टांसिस ऑफ दिस. सम स्टेट्स फील करते हैं कि यहाँ पे डोमिनेशन है हिंदी स्पीकिंग एरियाज का ओवर द अदर. इनफैक्ट जब 1960 की डेकेड्स होती है, so there were agitations in some state against the imposition of Hindi language. ये एक कार्टून है, during discussion on the national language in the constituent assembly, Nehru had to appeal to the Hindi speaking provinces to show greater tolerance towards other. So don't spare me, Shankar. ये यहाँ पे एक कार्टून जो है वो कहता है. Okay. नव अगर हम देखें गवर्नर्स का रोल की अगर हम बात करें और प्रेसिडेंट के रोल की अगर हम बात करें, तो अगर हम देखें गवर्नर्स का प्रेसिडेंट का रोल, तो गवर्नर का जो रोल है हैज ऑलवेज बीन अ कंट्रोवर्शियल इशू स्टेट्स के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में. गवर्नर इज नॉट एन इलेक्टेड ऑफिस होल्डर. बहुत सारे जो गवर्नर्स है वो या तो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं या फिर सिविल सर्वेंट होते हैं या फिर पॉलिटिशियंस होते हैं. बिसाइड्स गवर्नर को अपॉइंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देयरफॉर एक्शंस जो होते हैं गवर्नर का आर ऑफन व्यूड एज इंटरफेरेंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. सो जब दो डिफरेंट पार्टीज पावर में होती है एक सेंटर में और स्टेट में, तो रोल जो होता है गवर्नर का वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल यहाँ पे हो जाता है. जैसे सरकारी कमीशन जिसको अपॉइंट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1983 में, इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1988 में एग्जामिन करने के लिए इश्यू रिलेटिंग टू द सेंट्रल स्टेट रिलेशन. इसने रिकमेंड किया था कि जो अपॉइंटमेंट है गवर्नर का शुड बी स्ट्रिक्टली नॉन पार्टिसन. पावर एंड रोल ऑफ द गवर्नर कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है फॉर वन और मोर रीजन. वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 356 है, विच प्रोवाइड फॉर प्रेजिडेंट रूल इन एनी स्टेट. दिस प्रोविजन इज टू बी अप्लाइड जब एक सिचुएशन आ जाती है जिसमें गवर्नमेंट जो होता है स्टेट का कैन नॉट बी कैरीड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. सो इट रिजल्ट इन द टेक ओवर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट by the union government. So president proclamation has to be ratified by parliament. President ka jo rule hai wo extend nahi ho sakta 3 saal tak. So governor ke paas power ho jati hai recommend karne ke liye dismissal of the state government and suspension or dissolution of the state assembly. This has led to many conflicts. Kuch cases mein state government were dismissed even when they had a majority in the legislature. As had happened in Kerala 1959 without testing their majority. ये बहुत सारे बार हुआ है दूसरे states में भी 1967 के बाद. So some cases went to the Supreme Court and the court has ruled that the constitutional validity of that decision impose करने के लिए president का rule ये examine नहीं हो सकता, judiciary इसको examine नहीं कर सकती. Article 356 की अगर हम बात करें 1967 तक इसको बहुत ज्यादा स्पैरिंगली यूज किया गया. 1967 के बाद बहुत सारी जो स्टेट्स है नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वहां पे थी एंड द कांग्रेस वाज इन पावर एट द सेंटर. सो सेंटर हैज ऑफन यूज्ड द प्रोविजंस टू डिसमिस अ स्टेट गवर्नमेंट और हैज यूज्ड द ऑफिस ऑफ द गवर्नर टू प्रिवेंट द मेजोरिटी पार्टी और कोलिशन फ्रॉम अज्यूमिंग ऑफिस. पर इंसान सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो इसने इलेक्टेड गवर्नमेंट को रिमूव कर दिया था आंध्र प्रदेश में, जम्मू में, कश्मीर में 1980 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. सो नई स्टेट्स के लिए भी डिमांड हुई. अदर डायमेंशंस ऑफ टेंशन इन आवर फेडरल सिस्टम हैज बीन द डिमांड टू क्रिएट न्यू स्टेट्स. सो नेशनल मूवमेंट नॉट ओनली क्रिएटेड अ पैन इंडियन नेशनल यूनिटी, इट ऑल्सो जनरेटेड डिस्टिंक्ट यूनिटी अराउंड अ कॉमन लैंग्वेज रीजन एंड कल्चर. हमारा जो नेशनल मूवमेंट है वॉज ऑल्सो अ मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के लिए भी था एक मूवमेंट क्योंकि हमें डेमोक्रेसी चाहिए थी. देयरफॉर इन द कोर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट इटसेल्फ इट वॉज डिसाइडेड दैट एज फार एज पॉसिबल स्टेट्स वुड बी क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी. लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के बेस पर दिस अल्टीमेटली लेड टू द डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स. लिंग्विस्टिक स्टेट्स
आफ्टर इंडिपेंडेंस दिसंबर 1953 में क्या होता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आता है एंड इसने रिकमेंड किया था क्रिएशन किसका, लिंग्विस्टिक स्टेट्स का, एटलीस्ट फॉर द मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। 1956 में क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है कुछ स्टेट्स का, इससे क्या होता है बिगनिंग हो जाती है क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स की एंड द प्रोसेस स्टिल कंटिन्यूइंग। गुजरात एंड महाराष्ट्र वर क्रिएटेड इन 1960, पंजाब हरियाणा सेपरेट हो जाते हैं दूसरे से 1966 में। उसके बाद क्या होता है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑर्गेनाइज हो जाता है एंड नए स्टेट्स आते हैं जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये भी क्रिएट होते हैं। सो अगर हम बात करें 2000 की, तो जो लार्जेस्ट स्टेट्स थे उनको फर्दर डिवाइड किया जाता है ताकि नए स्टेट सेपरेट स्टेट बना सके, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है वो अच्छे से हो जाए। सो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार को डिवाइड किया था 3 नए स्टेट्स बनाने के लिए, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, झारखंड है। मध्य प्रदेश से निकल के आता है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से निकल के आता है उत्तराखंड एंड बिहार से निकल के आता है झारखंड। 2014 में स्टेट ऑफ तेलंगाना वॉज फॉर्म्ड बाय डिवाइडिंग आंध्र प्रदेश, तो तेलंगाना भी ये बना के लाते हैं आंध्र प्रदेश को डिवाइड करके। कुछ रीजन्स एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स आर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर सेपरेट स्टेटहुड जैसे विदर्भा इन महाराष्ट्र। उसके बाद आता है भी हमारा इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स की अगर हम बात करें तो स्टेट्स में भी देखिए बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होती रहती है, सेंटर के साथ इनकी कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है, ऑटोनॉमी से रिलेटेड हो, दूसरे इश्यूज हो जैसे रिवेन्यू में शेयर। सो देर हैव बीन मेनी इंस्टांसेस ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन टू स्टेट्स और अमंग मोर देन टू स्टेट्स। सो इट इज ट्रू दैट जुडिशरी एक आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म की तरह काम करती है ऑन डिस्प्यूट्स ऑफ लीगल नेचर, बट दीज डिस्प्यूट्स आर इन रियालिटी नॉट जस्ट लीगल, दे हैव पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ऑल्सो एंड देयरफॉर दे कैन बेस्ट बी रिजोल्व ओनली थ्रू नेगोसिएशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही इनको रिजोल्व किया जा सकता है। सो अब हम बात करें, दो तरह के डिस्प्यूट जो है वो होते रहते हैं। पहला जो है बॉर्डर डिस्प्यूट्स होता है, सो बहुत सारे जो स्टेट्स है वो क्लेम करते हैं ओवर टेरिटरीज बिलोंगिंग टू नेबरिंग स्टेट। दो लैंग्वेज क्या है बेसिस है ऑफ डिफाइनिंग बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स, ऑफन बॉर्डर एरियाज वुड हैव पॉपुलेशन स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज, सो इट इज नॉट इजी टू रिजोल्व दिस डिस्प्यूट्स मेयरली लिंग्विस्टिक मेजोरिटी के बेसिस पे। वन ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट, ये डिस्प्यूट होता है जैसे महाराष्ट्र एंड कर्नाटक के बीच में ओवर द सिटी ऑफ बेलगाम, मणिपुर एंड नागालैंड टू have a long standing border dispute. Carving out of Haryana from erstwhile state of Punjab has led to disputes between the two states, not only over border areas but over the capital city of Chandigarh also. City today houses the capital of both these states. 1985 में क्या होता था, उस तरह के जो उस time के जो Prime Minister थे राजीव गांधी, reach an understanding with the leadership of Punjab. According to this understanding, छत्तीसगढ़ वॉज टू बी हैंडेड ओवर टू पंजाब, बट दिस हैज नॉट हैपेंड येट, लेकिन ये अभी तक होता नहीं है। सो जब बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं, सो आर मोर अबाउट सेंटिमेंट, डिस्प्यूट्स ओवर द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स आर इवन मोर सीरियस बिकॉज दे आर रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड एग्रीकल्चर इन द कंसर्न स्टेट। आपने सुना होगा कावेरी के बारे में, जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स होता है एक मेजर इशू है तमिलनाडु एंड कर्नाटक के बीच में, फार्मर जो होते हैं दोनों स्टेट्स के बीच में डिपेंडेंट है कावेरी के पानी पे। सो देर इज अ रिवर वाटर ट्रिब्यूनल जो टू सेटल वाटर डिस्प्यूट्स। ये जो डिस्प्यूट्स है जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है चला जाता है, दूसरे सिमिलर डिस्प्यूट्स है जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र के बीच में, ये भी नर्मदा जो नदी है उसके पानी पे इनका झगड़ा चल रहा है। सो रिवर आर मेजर रिसोर्सेज एंड देयरफॉर डिस्प्यूट्स ओवर रिवर वाटर टेस्ट द पेशेंस एंड कोऑपरेटिव स्पिरिट ऑफ द स्टेट्स। अब भाई अगर हम बात करें स्पेशल प्रोविजन की बात करें, तो मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर जो है फेडरल अरेंजमेंट का इंडिया में ये है कि बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उनको डिफरेंट ट्रीटमेंट मिलता है। वी हैव ऑलरेडी नोटेड इन द चैप्टर ऑन लेजिस्लेचर दैट जो साइज होता है, पॉपुलेशन होता है हर एक स्टेट का बीइंग डिफरेंट, एसिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इज प्रोवाइडेड इन द राज्यसभा। सो व्हाइल इंश्योरिंग मिनिमम रिप्रेजेंटेशन टू ईच ऑफ द स्मॉलर स्टेट, अरेंजमेंट जो होता है ऑल्सो इंश्योर करता है कि जो लार्जेस्ट स्टेट्स हैं उनको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले।
अगर हम बात करें डिवीजन ऑफ पावर्स के बीच में, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स करता है डिवीजन ऑफ पावर दैट इज कॉमन टू ऑल द स्टेट्स, एंड यट कॉन्स्टिट्यूशन के पास बहुत सारे स्पेशल प्रोविजंस होते हैं फॉर सम स्टेट्स गिवन देयर पेक्यूलर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस. सो मोस्ट ऑफ द स्पेशल प्रोविजंस पर्टेन टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जैसे कि आसाम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, एटसेट्रा. लार्जली किसकी वजह से है? क्योंकि उनका साइजेबल इंडिजिनस जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसका डिस्टिंक्ट हिस्ट्री है, डिस्टिंक्ट कल्चर है. हाउएवर दीज प्रोविजंस हैव नॉट बीन एबल टू स्टेम एलियनेशन सो एट द इंसर्जेंटी इन पार्ट ऑफ द रीजन. तो स्पेशल प्रोविजन एग्जिस्ट करते हैं इंग्लिश स्टेट्स के लिए भी, जैसे हिमाचल प्रदेश है, कुछ दूसरे स्टेट्स है, आंध्र प्रदेश है, गोवा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, सिक्किम है, तेलंगाना है. सो जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें, स्टेट जो है जम्मू कश्मीर का, उसको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, वो था आर्टिकल 370 के तहत. जम्मू एंड कश्मीर वॉज वन ऑफ द लार्ज प्रिंसली स्टेट जिसके पास ऑप्शन था कि या तो आप ज्वाइन करो इंडिया को या फिर पाकिस्तान को या फिर आप क्या रहो इंडिपेंडेंट रहो. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हाउएवर इंडिपेंडेंस के बाद 1947 अक्टूबर में पाकिस्तान सीन सेंट ट्राइबल इनफिल्ट्रेशन फ्रॉम इट साइड टू कैप्चर कश्मीर. तो यहाँ पे ट्राइबल्स को भेज देता है ताकि कश्मीर को कैप्चर किया जाए. इससे क्या होता है कि जो महाराजा हरि सिंह है इंडियन से अपनी इंडियन लोगों से हेल्प मांगते हैं एंड एक्सीडेड टू द इंडियन यूनियन. बहुत सारे जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स में पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेते हैं, बट जम्मू कश्मीर एक्सेप्शन था. अंडर दीज सर्कमस्टांसेस इट वॉज गिवन मच ग्रेटर ऑटोनॉमी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 370 के हिसाब से कंकरेंस ऑफ द स्टेट वॉज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एनी लॉज in matters mentioned in the union and concurrent list. So this was different from the position of other states. In the case of other states, division jo hota hai power ka as listed 2-3 list automatically applies. Lekin Jammu and Kashmir ke case mein central government ke paas keval limited powers thi, and other power listed in the union list and concurrent list could be used only with the consent of the state government. अगर state government का consent होगा तभी उसको use किया जाएगा. इससे क्या होता है, greater autonomy आ जाते states के पास जम्मू एंड कश्मीर के. Earlier there was a constitution provisions जो allow करता था president को कि अगर आप state government के concurrence के साथ आप specify कर सकते हैं कि कौन सा जो part है union list का वो apply होगा state को. President ने issued किए थे दो constitutional order in concurrence with the government of Jammu and Kashmir making large parts of the constitution applicable to the state. As a result, Jammu and Kashmir ka separate constitution hai, separate flag hai. Parliaments ki jo power hai, laws banane ki subjects in the union list, isko bhi fully accept kar liya jata hai. So remaining difference between the other states and the state of Jammu and Kashmir were that ki koi bhi emergency internal disturbance ki wajah se डिक्लेयर नहीं हो सकती जम्मू एंड कश्मीर से स्टेट्स के कंसर्न के अलावा. स्टेट अगर कंसर्न देगा तभी उसको डिक्लेयर किया जाए. यूनियन गवर्नमेंट इम्पोज नहीं कर सकती यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी, एंड जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो अप्लाई नहीं होते जम्मू एंड कश्मीर में. सो अमेंडमेंट होता है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 could apply in concurrence with the government of Jammu and Kashmir. और अब हम बात करें at present स्पेशल स्टेटस जो दिया जाता है अंडर आर्टिकल 370 एग्जिस्ट नहीं करता. बाय द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 स्टेट हैज बीन बायफर्केटेड इनटू यूनियन टेरिटरीज दैट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. न्यू अरेंजमेंट हैज कम इनटू इफेक्ट्स फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019. तो यहाँ पे ये कंक्लूजन हमें ये है कि फेडरलिज्म एक रेनबो की तरह काम करता है जहाँ पे उसके जो कलर है सेपरेट है या टुगेदर एक हार्मोनियस पैटर्न बनाते हैं. फेडरलिज्म हैज टू कंटिन्यूअसली मेंटेन अ डिफिकल्ट बैलेंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स. कोई भी लीगल या इंस्टीट्यूशनल फॉर्मूला गारंटी कर सकता है स्मूथ फंक्शनिंग किसकी, फेडरल पॉलिटी की. अल्टीमेटली पीपल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस मस्ट डेवलप अ कल्चर एंड अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड वर्चूज लाइक म्यूचुअल ट्रस्ट, टॉलरेशन एंड अ स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन. सो फेडरलिज्म सेलिब्रेट करता है दोनों यूनिटी एज वेल एज डाइवर्सिटी को भी. नेशनल यूनिटी बिल्ट नहीं हो सकती बाय स्ट्रीम लाइनिंग डिफरेंसेस. सच फोर्स यूनिटी ओनली जनरेट्स ग्रेटर सोशल स्ट्राइफ एंड
alienation, intends finally to destroy unity. Responsive polity, sensitive to diversities and to the demands for autonomy, can alone be the basis of cooperative federations. So, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है. अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.